मैं डॉक्टर मोहित लोढ़ा अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि दूध किन रोगों में पीना है और किन रोगों में नहीं। काफ़ी सारी गलतफहमियाँ दूध को लेके है, जैसे कि दूध मानो कोई विलन ही हो, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें समझ ले तो हमें दूध का इम्पोर्टेंस भी समझ में आएगा और उससे नुकसान भी नहीं होगा। दूध जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा है, ये वात और पित्त तो कम करता है। वात वाली व्याधियाँ जिसमें जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों से आवाज़ आती है, कटकट आवाज़ आती है, ऐसे रोगों में दूध का सेवन फ़ायदा दिलाता है। उसी के साथ पित्त गर्मी वाली बीमारियों, जैसे दूध मैंने कहा है कि वो ठंडा होता है, तो गर्मी वाली बीमारियों में भी दूध काफ़ी अच्छा काम करता है। शरीर की उष्णता गर्मी कम करता है, मूर्छा माने चक्कर आना, तृष्णा अधिक प्यास लग जाना या आदि ग्लानी थकान होना, ऐसी अवस्थाओं में भी दूध अच्छा काम करता है। रक्त दुष्टि हुई हो, रक्त में उष्णता बढ़ गई हो, ऐसी अवस्थाओं में भी दूध अच्छा काम करता है। रक्त पित्त जैसी बीमारियां, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं जिसे, ऐसे अवस्था में भी दूध नहीं पीना चाहिए। काफ़ी लोगों में देखा जाए कि हैबिचुअल अबॉर्शन या बार बार गर्भपात होता है, ऐसी अवस्था में भी दूध का सेवन लाभ देता है। उसके साथ कुछ मानस दोष भी रहते हैं जिसमें नींद ना आना या उन्माद जैसे लक्षण होते हैं, ऐसे में दूध का सेवन काफ़ी फायदेमंद ठहरता है। खासकर भैंस का दूध, ये अगर रात में पीते हो तो आपको अच्छी गाढ़ी नींद लगती है, ऐसा आयुर्वेद में वर्णन आया है। कुछ जीर्ण ज्वर जैसी बीमारियां जिनमें बुखार काफ़ी दिनों से बॉडी में हो, आपको थर्मोमीटर में वो महसूस नहीं होगा पर आप अगर बॉडी को हाथ लगाओ या फिर कोई आपको स्पर्श करे तो बोलेगा कि यार आपकी बॉडी गर्म है, ऐसे अवस्थाओं में भी दूध का सेवन लाभ दिलाता है। कास माने सूखी खांसी जिसमें कफ ही ना तैयार होता हो, ऐसी अवस्था में भी दूध का फायदा होता है। दर्द जिसमें पेट में पानी जम जाता हो, असाइटिस जिसको कहते हैं, ऐसी अवस्था में स्पेसिफिक आयुर्वेद में वर्णन मिलता है कि ऐसे रोगियों को केवल दूध पे ही रहना चाहिए जब तक उनका जलोदर या असाइटिस ठीक ना हो जाए तब तक। उसी के साथ गृहिणी जैसे IBS की कुछ कंडीशन जिसमें आपको कठिन मल प्रवृत्ति माने हार्ड स्टूल जिसको कहेंगे, ऐसी अवस्था में दूध को रात में सोते समय घी मिला के लेते हो तो भी आराम मिलता है। अर्श माने पाइल्स की अवस्था में भी जिसमें इरेगुलर बॉवल हैबिट हो जाती है, ऐसे में भी दूध का बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। जिन लोगों को वजन बढ़ाना हो, जिनका शरीर प्रकृति काफ़ी पतली हो, जिनको वजन बढ़ाने की इच्छा हो, उन्होंने भी दूध का सेवन निरंतर करना चाहिए। जिनको अधिक श्रम या अधिक थकान हो, जिनको अधिक मेहनत करनी पड़ती हो, ऐसे लोगों को भी दूध का सेवन करना चाहिए। अब देखेंगे दूध किन रोगों में या किन व्याधियों में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, कृमि जंत जिसको हो, उन रोगियों को कभी भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध ये कफ बढ़ाता है, माने कफ की जिनकी भी बीमारियां हो उनको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही दूध पचने में जड़ माने हेवी होता है तो अजीर्ण, अपचन, अम्लपित्त, ऐसी अवस्थाओं में जिसमें आपका डाइजेशन वीक हो, ऐसे में भी दूध नहीं लेना चाहिए। साथ ही लूज मोशन माने अतिसार जैसी अवस्थाओं में भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का काफ़ी वजन बढ़ गया हो या जिन्हें वजन नहीं बढ़ाना है, इन लोगों ने भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर ये दूध इतना क्लेद और कफ बढ़ाता है तो कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें डायबिटीज, थायराइड या फैटी लीवर जैसी कंडीशंस, ऐसी कंडीशन में भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर करना ही है तो उसके साथ क्या अनुपान कुछ मिला के ले सकते हो जिससे वो दूध इजीली डाइजेस्ट हो, ये आपके निकटतम वैद्य से बात करके ही फिर दूध ले सकते हैं।